सिंगरौली के एनसीएल जयंत परियोजना की कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन चोरों ने करीब 60 लाख के सोने चांदी और नकदी की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। कुछ दिनों पूर्व एनसीएल जयंत परियोजना की कॉलोनी के एक आवास में महिला के हाथ पैर बांधकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने बताया कि आरोपियों ने करीब 60 लाख के सोना चांदी एवं नकदी के लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसे बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसके बाद यह सफलता हाथ लगी है। एनसीएल आवासी कॉलोनी में एक डंपर ड्राइवर है, उनकी पत्नी को बाहर से दो अज्ञात बदमाश दरवाजे को रिंग करके और सिविल का अपने को कर्मचारी बता करके और उनके यहाँ जो कंप्लेन थी उसमें रिपेयरिंग करने के बहाने अंदर घुसे और उस अकेली महिला को बांध दिया, उसके मुंह को बांध दिया, उसके हाथों को बांध दिया और उसके दो छोटे बच्चे थे जिनको कहा कि अगर तुम चिल्लाओगे तो हम तुम्हारे बच्चे को और तुमको जान से ख़त्म कर देंगे, और उसको भय में डाल करके उसके अंदर बेडरूम के अंदर 5 जो बैग थे, ट्रॉली बैग और दूसरे बैग थे, वो ले करके बदमाश बाहर से दरवाज़ा बंद करके चले गए। इसकी सूचना जो है उस बाहर के लोगों को उसने आवाज़ लगा के बुलाया, लोगों ने दरवाज़ा खोला और उसके रस्सी को काटा और तत्काल पुलिस को सूचना दी। इस सूचना पर संबंधित थाना प्रभारी बिंदनगर श्री राघवेंद्र द्विवेदी और जयंत के अभिमन्यु द्विवेदी जो चौकी प्रभारी हैं वो मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल जो है कप्तान साहब को सूचना दी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।